वन विभाग की कुंडल फॉरेस्टर चौकी बाणगंगा में शराब के छलके जाम। दौसा के बाणगंगा नर्सरी में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उक्त मामले में स्थानीय रेंजर फॉरेस्टर से उच्च अधिकारियों के आने का हवाला देकर टेबल कुर्सी की व्यवस्था कराता है और शाम को सदर चेकपोस्ट के फॉरेस्टर और एक अवैध खननकारी के साथ पहुंचता है और शराब की पार्टी जमा देता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आपने व्यवस्था के साथ सरकारी काम के लिए थोड़ी बुलाया था? व्यवस्था के साथ बुलाया था। आपने तो दारू पानी या आपकी खुद की सेवा करवाने के लिए बुलाया? क्या सेवा की? मैं ये टेबल कुर्सी सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि अधिकारी आके बैठे कुछ करे। आप अदरनाक के फॉरेस्टर को यहाँ बुला बैठा के दारू पी रहे हो, मैंने इसलिए पैसे थोड़ी खर्च करे। तो नेतागिरी वाले आने का था? हाँ बात कर नहीं कर लो बात करवा। तो फिर ये इनका दुरुपयोग कर रहे हो आप। मैंने 2200 रुपये इसलिए खर्च थोड़ी करे कि आप मतलब यहाँ ये अवैध खनन करता है ये ट्रैक्टर वाला, इसको बुला के आप इनसे दारू मंगवा के ये मेरी गांठ में से टेबल कुर्सी लाया हूँ मैं और इन पे बैठा के आप ये अदरनाके को फॉरेस्टर को मेरे नाके में बैठा के आप दारू पी रहे हो यहाँ बैठ के। अरे तू क्यों धकेल रहा है फालतू में? बोलो बोलो। अरे छोड़ छोड़ बोलो बोलो राम जलाल जी। अरे तो भाई ये यहाँ नर्सरी में इनको मतलब ये फॉरेस्टर वोरेस्टर ये दारू पानी पियेंगे बैठ के, इसलिए थोड़ी लाया हूँ मैं टेबल कुर्सी। नर्सरी पे आए क्या? मैं डेली आता हूँ। वो एक भी दिन नहीं आए? मैं डेली आता हूँ। हमारे साइन नहीं है नर्सरी पे? नहीं अभी नहीं आते तुम। मैं तुम्हें रजिस्टर चेक नहीं किया नर्सरी का? मैं ऑथराइज नहीं हूँ, आप हो ना। मैं लोकेंद्र सिंह गुजर, पनपाल नाका कुंडल रेंज दौसा उप संरक्षक दौसा। आज दिनांक 7 अगस्त 2020 को समय लगभग शाम के 5 बजे श्रीमान क्षेत्र में अधिकारी बबुलराम मैं क्योंकि कुछ उच्च अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नर्सरी से करेंगे तो आपको यहाँ के बैठने के लिए 4 से साथ मुझे पता चला कि श्रीमान क्षेत्र वन अधिकारी बबलूराम मीणा जी और सरदरना का फॉरेस्टर रामजीलाल मीणा जी दोनों बैठ के और एक अवैध खनन करता है जिसके 5-7 ट्रैक्टर चलते हैं, उसके पास जेसीबी भी है। ये अवैध खनन करता अधिकारी इसको बुलाकर और दारू पानी जो भी सारी व्यवस्था है वो सारी चीज़ें बुलाकर बुलाया और कहा कि नर्सरी में पहुंचो जल्दी, तो उसको बुला करके और उसको भी ये दारू पानी की सेवा के लिए बुलाया। फिर उसने कहा कि आज मेरी पत्नी का व्रत है और मैं इन चीज़ों पे हाथ नहीं लगाता, यह कहकर वो वहाँ से चला गया। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि श्रीमान बबलूराम मीणा जी क्षेत्र पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार तो उसे कार्ड करने के लिए दूसरी बार मुझे टेबल लाया तो उन पर सदरना का फॉरेस्टर को बुला करके और अवैध खननकर्ताओं को बुला करके और दारू मंगवा करके दारू पी रहे हैं। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैं उनके पास आया और उनसे इस मामले में सवाल जवाब किया कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो रेंजर साहब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने लगे कि आप नहीं रहते जबकि मैं